नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है NSAID। NSAID का फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। ये हमारे शरीर में जो इन्फ्लामेशन होता है किसी बाहरी ऑर्गेनिज्म की वजह से या बाहरी इंजरी की वजह से, तो उसको उसके अगेंस्ट में काम करता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। इन्फ्लामेशन होना बाहरी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है और ये इन्फ्लामेशन को रोकता है। तो इन्फ्लामेशन से क्या होता है, हमारे शरीर में पेन, फीवर आदि सिम्टम आते हैं, तो ये इनको कम करता है। तो NSAID आर मेडिसिन दैट आर वाइडली यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेशन, माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड फीवर। और हमारे शरीर में जो इन्फ्लामेशन अराइज होता है वो किस वजह से होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। प्रोस्टाग्लैंडिन का इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है हमारी बॉडी सेल में और ये किस वजह से बनता है, कॉक्स एंजाइम की वजह से। और प्रोस्टाग्लैंडिन के काम क्या क्या होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो पहला है प्रमोट इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को ये प्रमोट करता है जिससे कि हीलिंग होती है। ऑल्सो रिजल्ट पेन एंड फीवर, और इसी की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही पेन और फीवर आता है। दूसरा क्या काम है, सपोर्ट द ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट। प्लेटलेट का जो ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन, उसको ये सपोर्ट करता है। ये कहता है कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द एसिड। जो स्टमक की लाइनिंग है उसको एसिड से कुछ भी डैमेज होने से ये रोकता है। तो स्टमक की रक्षा करी इसने, ब्लड क्लॉटिंग करा और हीलिंग के लिए इन्फ्लामेशन प्रमोट किया। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस विद इन द बॉडी सेल बाय द एंजाइम कॉक्स। कॉक्स एंजाइम की मदद से ये शरीर में, जो शरीर की शैल है उसमें बनता है। कॉक्स का फुल फॉर्म क्या है, साइक्लोऑक्सीजिनेज। साइक्लोऑक्सीजिनेज को ही हम कहते हैं कॉक्स। और ये दो तरह के होते हैं, कॉक्स वन और कॉक्स टू। तो इनमें से जो कॉक्स वन है, इस यही मेनली क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोड्यूस करता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन के जो काम है, प्लेटलेट को सपोर्ट करना और प्रोटेक्ट द स्टमक, उसमें उसके लिए ये जिम्मेदार होता है कॉक्स वन। तो कॉक्स जो एंजाइम है वो उसी से प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होता है और वो ही इन्फ्लामेशन का कारण होता है। अब जो NSAID है ये क्या करता है, ब्लॉक द कॉक्स एंजाइम। कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक कर लेता है एंड रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन को कम कर देता है थ्रू आउट द बॉडी। एंड इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे इन्फ्लामेशन रिड्यूस होता है, पेन रिड्यूस होता है और फीवर रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन NSAIDs। तो ये हैं एस्पिरिन, डाइक्लोफिनिक, आइबुप्रोफेन, इंडोमेथासिन, नेप्रोक्सेन, जो हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं, एस्पिरिन, डाइक्लोफिनिक, आइबुप्रोफेन, इंडोमेथासिन एंड नेप्रोक्सेन। अब आते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसके। तो ये है नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज्ड एपेटाइट, रैश, डिजीनेस, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर। यदि लॉन्ग टर्म में ली जाए तो किडनी फेलियर और लीवर फेलियर कॉज करती हैं। नेक्स्ट है अल्सर, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी और सर्जरी। क्यों, तो ये हो गए कॉमन साइड इफेक्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज एपेटाइट, रैश, डिजीनेस, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, अल्सर एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी और सर्जरी। नेक्स्ट है इन चिल्ड्रन सस्पेक्टेड विद इन्फ्लुएंजा एंड चिकन पॉक्स। जिन बच्चों में सस्पेक्ट हुआ है इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक, शुड नॉट बी यूज्ड। NSAID उसमें यूज़ नहीं करनी चाहिए जिन बच्चों के इन्फ्लुएंजा या चिकन पॉक सस्पेक्ट किया गया है, क्योंकि इन बच्चों में यदि इसको देते हैं तो वो रेस सिंड्रोम कॉज करता है, जो कि एक फैटल लीवर डिजीज़ है। तो स्पेशली जिन बच्चों के इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स है, उनको ये कभी भी नहीं देने चाहिए। और ये काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आता है कि रे सिंड्रोम किससे होता है, तो ये इसी वजह से होता है। नेक्स्ट है इंडिकेशन क्या क्या है इसके। इंडिकेशन है हेडेक में, आर्थराइटिस के केस में, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डेलाइटिस के केस में, स्पोर्ट इंजरी हुई है उस केस में, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में,
NSAID दी जाती हैं फीवर में और पेन में। तो एज ए इंडिकेशन ये डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दी जाती हैं, और इनके इंडिकेशन है हेडेक, आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉट इंजरी, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, फीवर एंड पेन। नेक्स्ट आती हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एज ओवर 65 ईयर, 65 साल से जो बड़े लोग हैं उनको ये नहीं दी जाती है इन प्रेगनेंसी में, या फिर जो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनमें ये नहीं दी जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर करा रही होती है तो उस कंडीशन में भी NSAID नहीं दी जाती है। अस्थमा की कंडीशन में NSAID नहीं दी जाती है। यदि NSAID से पास्ट में कभी व्यक्ति को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो उस केस में भी हम NSAID नहीं देते हैं। हैव स्टमक अल्सर इन पास्ट, पास्ट में स्टमक अल्सर हुआ है तो उसको भी हम ये नहीं देते हैं, क्योंकि NSAID तो खुद अल्सर कॉज करते हैं। एनी प्रॉब्लम इन हार्ट, लीवर, किडनीज, ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन, कोई भी यदि प्रॉब्लम है हार्ट में, लीवर में, किडनी में, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या सर्कुलेशन से रिलेटेड, तो उसमें भी हम NSAID नहीं देते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में NSAID नहीं दी जाती है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में NSAID नहीं दी जाती है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी काम करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन स्टमक को प्रोटेक्ट करता है और ये NSAID अल्सर कॉज करती है। इसी तरह से ही जिन पेशेंट को NSAID लॉन्ग टर्म में दी जाती है उनमें ये ब्लीडिंग कॉज करती है, और ब्लीडिंग कॉज करने की वजह से ही यदि सर्जरी के टाइम पे और इंजरी के टाइम पे ब्लीडिंग होती है। अब बताएं NSAID आर अवेलेबल एज ए टेबलेट फॉर्म में मिलती है, ये कैप्सूल फॉर्म में मिलती है, सपोजिटरीज के रूप में मिलती है, क्रीम्स, जेल्स एंड इंजेक्शंस के रूप में। तो NSAID मार्केट में टैबलेट, कैप्सूल, सपोजिटरीज, क्रीम्स, जेल और इंजेक्शंस के फॉर्म में मिलती है। NSAID कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कैसे बढ़ाती है ये क्या करती है, जो किडनी होती है वहाँ की ब्लड सप्लाई को कम कर देती है, जिसकी वजह से किडनी को प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, और जब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है तो फ्लूड कलेक्ट होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि फ्लूड बाहर कम जाता है, और जब फ्लूड कलेक्ट होता है बॉडी में तो वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर राइज करता है। तो इसीलिए NSAID कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। एस्प्रिन इज़ यूज्ड टू इनहिबिट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, एस्प्रिन का स्पेशली यूज़ किस लिए किया जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग को रोकने के लिए, एंड प्रिवेंट स्ट्रोक्स एंड हार्ट अटैक्स, हार्ट अटैक्स जो होते हैं या जो स्ट्रोक्स होते हैं उनको ये रोकती है। तो एस्पिरिन इसमें भी काम में ली जाती है, क्योंकि ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगी तो क्या होगा, इन्फार्क्शन नहीं होगा उस जगह पे, ब्लड सप्लाई कम नहीं होगी, तो इसलिए ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक को प्रिवेंट करती है एस्पिरिन। तो आज हमने NSAID के बारे में पढ़ा, जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, और इसका काम होता है इन्फ्लामेशन को ट्रीट करना, पेन को और फीवर को ट्रीट करना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें। थैंक यू।